जनता जानती है और देख भी रही है। 15 साल के बरसों को याद कीजिए। नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वह याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है, 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है, रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है। और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज और अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं, बिहार और आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है, एक कार्यकर्ता को क्लब पकड़ के जो है वो धक्का दे रहे थे। भैया, यह कोई पहली घटना तो नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई तक करते हैं, धक्का देते हैं, अपमान करते हैं, और यह उनके आम बात में है, आम व्यवहार में है, तो फिर क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान पे गई, चंद्रमा पर गई, चांद पे गई, चंद्रयान 3 को स्थापित कर दिया। आज इनके नेतृत्व में कानून का राज है। आज देश में जो कानून की व्यवस्था जो भारत की सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास है, उस पर देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किस प्रकार से आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, लगातार सीरियल बम ब्लास्ट करने वालों को, देशद्रोहियों को, देश के खिलाफ कहीं भी कोई कदम उठाने वालों को, आज देखिए देश में भ्रष्टाचार करने वालों को, घोटाला करने वालों को, जनता से धोखा देने वालों को, ऐसे लोगों पर जो केंद्र के जिम्मे जो काम है वह कितनी सफलतापूर्वक कर रही है, आप उसको देखिए। क्या हो क्या बंद करो, बोलिए क्या बात, बात क्या है, बात है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को, बेचारे लालू प्रसाद यादव को फंसाया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। देखिए कानून सबके लिए बराबर है और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए, अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं या आरजेडी के लोग बताते हैं वह स्वतंत्र इकाई है, तो क्या इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है, और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है उस पर कार्रवाई करती है, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं करती है, या कानून का विषय है, एजेंसियों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें, और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें और उस समय के बयान को पढ़े, कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नियत भी रखती है, लेकिन वैसे लोग
जो जो कभी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। सर यादव ने कहा है कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी।